अस्सलामुअलैकुम गाइस, यार कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय अनदर व्लॉग। तो गाइस बेसिकली आज हम लोग आए हैं पीएफ म्यूजियम, पाकिस्तान एयरफोर्स। यहाँ पे क्या कहते हैं, सारे प्लेन वगैरह जो होते हैं सारे वो यहाँ पे आए हैं। दिखाते हैं इधर, हम लोग पहुँच तो गए हैं पीएफ म्यूजियम। हम पहले नेवी का पार्क तो मैंने आपको दिखा ही दिया था। नेवी के सबसे पहला जहाज हो रहा वो आपके सामने जहाज है, मैं आपको दिखाऊं, देख सकते हैं। फिर उसके बाद सामने है पी ए। तो गाइस इधर अभी हम लोग पहुंच चुके हैं, सामने टिकट काउंटर है, टिकट लेते हैं फिर चलते हैं। तो गाइस इधर अभी मैं और दिशान चलते हैं अंदर, मम्मा लेके आ रही हैं टिकट, मैं और दिशान चलते हैं। लेकिन मुझे वीडियो बंद करना पड़ेगी क्योंकि यहाँ वीडियो की परमिशन नहीं, अंदर जाके बनाऊंगा। सबसे पहले इधर हम पहुँच गए हैं एक प्लेन में, आपको दिखाऊँ। इधर पूरा अंधेरा हो रहा है, सिर्फ जो क्या कहते हैं वो है ना उसी तरफ है लाइटें, मतलब प्लेन वगैरह की तरफ। भाई इतने खतरनाक प्लेन भाई साहब, भाई ये क्या है यार, इतने बड़े बड़े हैं ये तो। देख सकते हैं आओ करीब चले, ये वाला प्लेन है देख सकते हैं सामने, जेट फाइटर जेट। ये पता नहीं शायद ये नॉर्मल प्लेन है, आई थिंक सो ये नॉर्मल प्लेन है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना बड़ा है, ये देख सकते हैं। मैं आपको देखूँ कितना बड़ा गाइस, ये पागल बोल रहे नकली है गाइस, और ये असली प्लेन होते हैं देख सकते हैं। असली प्लेन को पागल नकली बोल रहे हो गाइस, ये असली प्लेन होते हैं। ये जो आप लोग ये नहीं समझिएगा कि ये नकली प्लेन है, ये जो है वो होते हैं, मतलब जो ख़राब वगैरह हो जाते हैं पुराने होते हैं ना, ये उनको यहाँ रख देते हैं। गाइस मैं उस पर बैठ के जा रहा हूँ, आप देखो कुत्ता बड़ा है ये, कैमरे में पूरा मुझे उधर उधर तक जाना पड़ रहा है। गाइस क्या कहते हैं ये कैसा है, तो इधर मैंने आपको एक प्लेन दिखा दिया, नेक्स्ट प्लेन अभी मैं बैठ के बैठने उड़ाने जा रहा हूँ। चलो गाइस ये उड़ाएगा इसकी, ये खुद उड़ जाएगा मुझे लग रहा है। तो अभी नेक्स्ट प्लेन मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुके। बहुत ये तो काफ़ी बड़ा है, उससे भी बहुत ही बड़ा है यार ये तो, गाइस ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। छोड़ो तो भाई, ये तो बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है मुझे, मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस देखिए उस पर लटक के बोल रहे रॉकेट लॉन्चर छोड़ो, देखें कितना बड़ा है वो, देखें कितना बड़ा है वो, देख सकते कहाँ तक गया हुआ, कितना भारी है ये, कितना बड़ा। गाइस इधर मैं आपको टिकट बता दूं, तो इधर टिकट है क्या कहते हैं, जो 12 साल से ऊपर के हैं 13-14 साल तक के उनका है 100 रुपये, और जो उससे 12 साल से छोटे उनका है 50 रुपये। मेरा पूरा 100 लगा है, और जिशान का है, जिशान का 50 लगा है। तो चलते देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। मैं आपको एक चीज़ दिखा, सीट है कैसी बनी हुई है, ये सब जी आते ही बैठ गए और देख सकते हैं सामने स्क्रीन लगी है। मैं आपको दिखाता हूँ मैच वगैरह चलता है, आप देख सकते हैं वहाँ LED बनी हुई है, देख सकते हैं ये क्या है, ये क्या है आप देख सकते हैं, हेलीकॉप्टर। इधर यहाँ हेलीकॉप्टर चल दिखाता हूँ मैं आपको, भाई स्कोप कितना बड़ा है ये यार, भाई कितना बड़ा है ये भाई, मैंने क्या कहते हैं ना हेलीकॉप्टर देखने में कितना लगता है, कितना बड़ा है ये देख सकते हैं, ये कहाँ तो के, और मैं आपको फुल दूर से जाके दिखाता हूँ कितना बड़ा है ये। अब देखें अभी भी पूरा नहीं आ रहा इसकी कंकड़ियाँ जो, आई थिंक सो अभी नहीं आ रही हैं भाई। अब देखें अब देखें ये कितना बड़ा है, ओ भाई साहब भाई कितना बड़ा है ये, हाला मैंने देखा कितना बड़ा ये। इधर अभी हम लोग इसके अंदर चलते हैं, अंदर जाके मैं आपको देखता हूँ इसकी जो बना हुआ बाउंड्री, तो इधर अंदर चलते हैं। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं इसके अंदर बैठने, चलो भाई मेरा जहाज रेडी करो, मेरा तो कभी नहीं आएगा मैं कहाँ से बैठूँ मैं बच्चा। तो गाइस आप ये देख सकते हैं मैं और जिशान कैसे पकड़े हुए हैं ये प्लेन को, इतना हाइट पे है ये, और ये देख सकते हैं जिशान बोल रहे कि मेरा कद ही नहीं जा रहा, मैं कैसे जाऊंगा। और गाइस आप ये देख सकते हैं ये तैयार नंबर 53 और 259 है, पाकिस्तान का तैयारा है ये। गाइस ये मेरे ख्याल में रॉकेट लॉन्चर वाला तैयार है, और ये देख सकते हैं ये इसका साइलेंसर है, साइलेंसर के अंदर हम लोग ढूंढ रहे हैं कोई चीज़ हो तो उल्टा इसके अंदर धुएं के बजाय ना मकड़ी के जाले लगे हैं। निशान को देखे कहाँ फंस गया ये, इधर देख सकते हैं मेरे ख्याल में पीछे से निकलते हैं यहाँ से मिज़ाइल वगैरह ना, मेरे ख्याल में पीछे से आते हैं ये मिज़ाइल, ये होता है मिज़ाइल गिराने वाला।
गाइस नहीं देख सकती जहाज है इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हर जहाज की तरह लेकिन पकड़ नहीं पा रहे। अब देखिए मैं पकड़ अबे भाई नहीं पकड़ सकते बहुत है यार मैं चलाऊं तुम लोग बताओ मैं चलाऊं यार मिसाइल पे मैं उड़ूंगा ना यार मिसाइल पे जाता हूँ उड़ने के लिए लेकिन मिसाइल पे जाता हूँ उड़ने के लिए और मैं लॉन्च कर दूंगा ना देख के गाइस इधर आए मैं मिसाइल लॉन्च करूँ सामने आए देख सकते हैं मिसाइल लॉन्च कर रहा हूँ मैं जब लॉन्च कैसे होता है मुझे नहीं पता पीछे से तुम उठाओगे कौन हमला कर रहा है हमारे देश पे डिटेक्टर मशीन के बाद जाते हैं रेडियो मशीन के बाद जाते हैं डिटेक्टर मशीन ये इधर हम आ तो गए हैं बताओ कौन डिटेक्ट कर रहा है रेडिएशन मशीन कर रहा है हमारे देश पे हमारे देश पे निशान अटैक कर रहा है इसको मिसाइल से उड़ाना पड़ेगा गाइस अब फौरी निशान का मिसाइल भी उठाना पड़ेगा चल बेटा आ जा उठाना है हमला करने वाले मिसाइल से गाइस इधर आप ये देख सकते हैं ये है तोप है मतलब ये वो जो होती है ना गन वाली तोप और इसमें मिसाइल भी लगे हैं आप ये देख सकते हैं ये जीप है छोटा फोका तैयार होता है दुश्मनों पे नजर रखने के लिए ये भी मेरा ही था ये भी मेरे ही था मैं अंदर जा रहा हूँ निशान ने बैठ के तोड़ दिया था ये कैसे जहाज है इनमें तो गेट भी नहीं होता यार कहाँ से घुसेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स का तैयार है ये जंग वगैरह होते हैं ये मेन स्पेशली यही होते हैं जंग वगैरह के लिए मिसाइल लगाने या मिसाइल होते हैं ये देख सकते हैं कितना बड़ा है ये 3W121 है ये इसमें गेट क्यों नहीं है मुझे अंदर जाना है यार मेरे जहाज के ताले लगा दिए ऊपर से वो ऊपर से है लेकिन ऊपर चढ़े कहाँ आप खुद ही बताएं चढ़ भी नहीं सकते जो मैं सोचा था इधर चढ़ के बैठ जाओ लेकिन
गाइस यहाँ पे क्या कहते हैं हम लोग 65 की जंग जीत गए थे। गाइस हम लोग यहाँ पे 65 की जंग जीत गए थे। वो जो मैंने आपको दिखाया मेरा रेड और येलो वाला तैयार था वो मेरा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया रेड येलो तैयार है, हम लोग मैंने जितवा दी थी जंग। फिर उसके बाद 71 वाली जंग जो है ना जिशान को मैं हरवाई थी, तो जिशान को मैंने मिसाइल तोड़ के मिसाइल में बैठ के उड़ा दिया था। ये पता नहीं कैसे आ गया, अब जब जंग होगी ना मैं इसको वापसी उड़ा दूँगा। और गाइस इधर यहाँ पे वंडरलैंड भी है, विंटरलैंड, हाँ विंटरलैंड, सॉरी वंडरलैंड बोल रहा हूँ, विंटरलैंड भी है। लेकिन यहाँ पर हट 1500 रुपये हैं, तो बाबा नहीं दे रहे 6000 रुपये चार बंदों के, तो क्या करें यार बाबा। मैंने तो इतना बोला लेकिन वो मना कर रहे हैं, 6000 रुपये मैं नहीं दे रहा। सी बात है 6000 रुपये के, क्योंकि 1500 रुपये एक बंदे का टिकट है यार। क्या कहते हैं क्या अरीना में फिर भी पास कम था। जब हम ब्लॉगे हमारे चैनल मोनेटाइज होगा जल्दी से मोनेटाइज करा दें, सारे पैसे मैं रखूँगा। फिर मोनेटाइज होगा तो फिर हम लोग जाएंगे विंटरलैंड। ये वो चीज़ है जिसपे मैंने दिशान को बिठा के उड़ाया था, ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। ये वो चीज़ है जिसपे मैंने वो दिशान को बिठा के उड़ा दिया था। गाइस इधर मेरा और दिशान का एक चैलेंज लगा है कि इसको जो जिसपे मैंने दिशान को बिठा के उड़ाया था ना उसको पगड़े अड़े होकर स्टंट करना है, तो आप देखें कौन कर पाता है अच्छा। आप लोग कमेंट करके बताइए किसका अच्छा है। इसको तो चढ़ना ही नहीं आ रहा, मैं लंगूर रखी है मुझे चढ़ना आ जाता है। देख सकते ये पूरा कितना बड़ा है, ये पूरा ओवरव्यू। उधर एक चीज दिखी है मुझे है या वो है, वो क्या यार मैं जूम करता हूँ उस पर। भाई टाइनैक जूम हो गया तो सही दिख जा, भाई दिख ही नहीं रहा। तो चले गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं इधर, ये जो यहाँ कुछ है होता है फौजी वगैरह जो होते हैं वो प्रे वगैरह करते हैं कौमी तरह वगैरह। यहाँ पे काफ़ी इस तरफ तो अंधेरा है, अंदर जाना अलाउ नहीं है, मैं आपको दूर से ही दिखा। गाइस आप ये देख सकते हैं यहाँ पे डेडिकेटेड टू ऑल मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। यहाँ पे मुझे ना ट्रॉफी मिली थी इतनी बड़ी, देख सकते हैं गाइस ये कितना बड़ा है, कितना अच्छा लग रहा है। 1971 वो देखें, 1965 दोनों की जंग का ये लिखा हुआ है, देख सकते हैं 1971 और 1965 की मैंने तो जितवा दी थी, ये जिशान ने ना हरवा दी थी। साहब ये देख सकते हैं ये हैं आपके डेडिकेटेड टू ऑल, ये देख सकते हैं ये है पूरा डेडिकेटेड, मैं शुरू से पढ़ गया था, डेडिकेटेड टू ऑल मिलिट्री ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स हु लेट डाउन देयर लाइव्स इन डिफेंस ऑफ देयर मदरलैंड। ये देख सकते हैं ये है 1971 की जंग, और इसमें यहाँ पे सबके नाम भी लिखे हुए हैं जिन्होंने जंग लड़ी। हाँ ये देख सकते हैं जिन्होंने जंग लड़ी थी उनके नाम, 1965 की जिन्होंने जंग लड़ी, ये देख सकते हैं ये नाम है, ये देख सकते हैं जो 1971 में शहीद हुए थे वो उनके नाम ही हैं, और ये हैं जो 1965 में जो शहीद हुए थे ना 1965 की जंग तो हम जीत गए थे इसलिए कम शहीद देख सकते हैं। ये इन शहीद के नाम है और ये शहीद हुए थे और ये उनके हैं जो उसमें शहीद। अब ये देख सकते हैं ये लिखा हुआ है मिलिट्री मेमोरल, तो ये देख सकते हैं ये दीवारों पर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ ही है। मेन पार्ट ऑफ द ये सबसे बड़ा जहाज है म्यूजियम का, सबसे आखिरी जहाज और सबसे बड़ा जहाज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं ये है कार्गो प्लेन, ये होता है कार्गो प्लेन, देखें ये ख़त्म ही नहीं होगा, ये देखें मैं कब से चल रहा हूँ, मैं 5 स्पीड कर दूँगा, काफ़ी बड़ा ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, देख सकते हैं गाइस ये होता है कार्गो प्लेन, देख सकते हैं बच्चे की ट्रेन है गाइस, ये होता है कार्गो प्लेन, ये देख सकते हैं इसका रैंक होता है, ये सामान वगैरह जो फॉरेन कंट्री से सामान वगैरह आते हैं अदर कंट्री सामान वगैरह आते हैं वो इसमें आता है, कितना बड़ा होता है इसके विंग तो देखें आप, विंग कहाँ तक जाते हैं, जूम करना पड़ रहा है विंग दिखाने के लिए, फिर देख सकते हैं मिसाइल भी होते हैं, मिसाइल नहीं होता है इसके वो होते हैं हेलीकॉप्टर की तरह इसकी फंकड़ी होती है, बहुत बहुत ज़्यादा हैवी होता है, देखो आवाज़ देखें आप, ये देखें टायर देखें आप कितना बड़ा टायर है, देख सकते हैं इसकी फंकड़ी भी ना बाबा, अरे बाबा हिला दी भाई, हिला दी भाई,
वो भाई कंकड़ी हिला दी यार, वो वही सब कंकड़ी हिला दी मैंने, कंकड़ी हिला दी आपके भाई ने। अब मैं सही से, मुझे लग रहा था मैं जोर से करता ना जान लगा कि शायद गाइस इसका भी बाइक वाला सिस्टम होता है, अगर जान लगा कि इसमें करो तो ये स्टार्ट है, लेकिन गाइस ये प्लेन है, कोई मजाक नहीं है जो स्टार्ट हुए, मुझे नहीं लगता स्टार्ट होता होगा फिलहाल, लेकिन क्या होता हो भी जाता हूँ। बहुत हैवी है, एक पंकड़ी हल्की सी हिल तक नहीं रही, इतनी मुश्किल से लाइए है। यहाँ से मिलते हैं वीडियो में, थैंक्स वॉचिंग, गुड बाय।